नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगेंद्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रैम्बली के मझेड़ गांव में, और हमारे पास साथ जो शख्स मौजूद है चेतराम जी, हम बताना चाहेंगे जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हुई यहां पे और कई लोगों के घर जो है वो टूट गए हैं इस बरसात में। बरसात ने इतना अपना कहर ढाया हुआ है और जिस तरह से कई जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, बादल फटे हैं, एक घटना इसी तरह के जो प्रकोप है प्रकृति का वो बरपाया है चेतराम के घर के बिल्कुल पास में और इनके घर के पास बिल्कुल हम कह सकते हैं इनके घर को खतरा बना हुआ है। सबसे पहले अपना नाम परिचय बताएं। मेरा जी चेतराम नाम है और मैं रिटायर पर हूँ दिल्ली से एजुकेशन से। तो क्या क्या कब ये नुकसान जो है आपका हुआ है यहाँ पे? ये नुकसान हुआ जी कल परसों की रात, मतलब 3 बजे के करीब स्टार्ट हुआ ये। अच्छा। और जब दिन के 12 बजे तक चलता रहा ये। अच्छा, कंटिन्यू स्लाइडिंग जो है चलती रही है। हाँ जी। अच्छा। स्लो अभी हम जैसे देख रहे हैं वो नीचे तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड हो चुका है यहाँ पे, और आपने अगर जानना चाहेंगे विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से आपको कोई यहाँ पे फौरी राहत वगैरह मिली हो? फौरी राहत बस ये तरपाल दिए हैं जी दो, दैट्स ऑल। पंचायत वाले अपना मुआयना कर गए? मुआयना पंचायत वाले जो सब आए थे जी, प्रधान हमारा अपना है वो आया, वो साथ में गया वो तरपाल लेने के लिए। वो बस इतना ही है, बाकी अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो क्या मांग रहेगी सरकार से आपको कि क्या चाहिए? अब यहाँ पे आपको क्रेट लगने चाहिए, डंगा लगना चाहिए, क्या चाहते हैं? मैं जी इसमें डंगा भी है और क्रेट भी है, नीचे तो एक बहुत बड़ा मतलब क्रेट लगना है जो मतलब मजबूत हो, और ऊपर को फिर हल्के हल्के मतलब जो है डंगे उसको चौड़ाई उसकी कम रखेंगे, और उसमें जो है आगे के लिए लगाना क्या है, यहाँ बूटियाँ लग सकती हैं जी और कुछ नहीं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा नीचे दिखाएं, और जिस तरह से जो है वो स्लाइड यहाँ पे हुआ है, जिस तरह से तरपाल यहाँ पे डाले गए हैं, लेकिन ये भी कोई टेम्परेरली सोल्यूशन है, कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है। और जिस तरह से घर बड़ा मकान यहाँ पे है, और अभी आप लोग इसी घर में रह रहे हैं कि अपने मकान छोड़ दिया? नहीं, इसी घर में बैक साइड में। बैक साइड में कितने परिवार हैं? 10 के। हाँ जी 10। यहाँ पे इस गांव में जो है बड़ी प्रकृति आपदा आई है। हम आपको बता दें कि मात्र इन्हीं का घर नहीं, यहाँ पे 2-3 परिवार और हैं जिनके घर को जो है लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है जी। लैंडस्लाइड से खतरा है, और ये तो अब जैसे 2-3 फुट की जगह बच गई है ये मेन डंगे से जी। तो ये कभी भी खतरा बन सकता है जी। हम अभी तो चाहेंगे कि सरकार जो है, प्रशासन जो है आपका सहयोग करे और यहाँ पे आपको डंगे लगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि जिस तरह से बारिश होते बरसात हो तो आप अपनी सुरक्षा भी खुद करें, क्योंकि यहाँ से सुरक्षा सरकार ने थोड़ी करनी है, वो तो ऐसा है जहाँ तक पॉसिबल होता है वो अपना। प्राकृतिक आपदा है ये, पूरे हिमाचल में इस बार इसका कहर ढाया है, और बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। और ये जहाँ तक बात की विभाग की, तो रेवेन्यू से पटवारी यहाँ पे अपना मुआयना कर गए और पंचायत प्रधान यहाँ पे आकर जो है निरीक्षण करके गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो है चेतराम जी के घर के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, और ये स्लाइडिंग जोन पे आ गया है। और अगर बात करें इसी घर से 2-3 परिवार हो रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं कि उनके घर को भी खतरा है, और हम आपको ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। धन्यवाद है जी। अब ऐसी आपदा में तो अभी मेरे इसमें 18-20 लाख रुपए लगाया है ऊपर घर में, तो अब जो पॉसिबल हो सकता है सरकार की तरफ से वो जी। तो चलिए, खून पसीने की कमाई होती है जनता, लेकिन प्रकृति के आगे कौन किसकी बस चलता है। लेकिन फिर भी हो सके तो जिन जैसे लोगों की जो है वो जरूर सहायता करें, क्योंकि एक इंसान जो है अपना आशियाना बनाता है, और आज इनको डर डर के माहौल पे यहाँ पे जो है रह रहे हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको, 2-3 परिवार और हैं उनसे भी, और कोशिश करेंगे और आप सभी को बताना चाहेंगे यदि आपके क्षेत्र में भी कहीं इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई हुई है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जानकारी, पूरी जानकारी के साथ वीडियो साझा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आपको चेतराम जी का घर बताया है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या नाम है सर आपका? शेर सिंह। शेर सिंह जी, क्या किस तरह का माहौल है गाँव में, और देख रहे हैं हम जिस तरह से 3-4 घर जो है पूरे स्लाइडिंग जोन में, खतरे के जोन में आ चुके हैं। हमारे गांव में 2-3 दिन से लगातार भारी बरसात हो रही है, जिस कारण हमारे जो मेरा घर है, घर के साथ ही ऊपरी तरफ को हमारे घर के साथ ही भिक्खमराम का मकान है, इसके साथ ही ऊपर से काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे हमारे भी मकान को जो है ना खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ऊपर से पत्थर और काफ़ी स्लाइडिंग हो रही है, तो इस करके हमारे मकान को भी खतरा हो गया। उसके साथ साथ ही एक रक्षा देवी है, इनका लेखराज
इन उन्होंने एक शौचालय बनाया था यहाँ पे, वो भी उस कारण जो है ना क्षतिग्रस्त हो गया है सारे का सारा, जिसमें जो है कुछ भी नहीं बचा हुआ। सरकार की ओर से अगर अब इसके प्रशासन की ओर से बात करें, कोई फौरी राहत मिली हो? फौरी राहत अभी तो जो आए थे राजस्व अधिकारी मतलब मौके पर आए थे, और दूसरे हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उन्होंने थोड़ा तो एक तिरपाल वगैरह का इंतजाम किया हुआ है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे दे गए थे कल, और उसके बाद प्रशासन से हम भी गुहार लगाते हैं कि भी यहाँ पे जो है ना कोई ये दीवार या कोई ऐसी रोक लगाई जा सके जिससे और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। बाकी साथ ही एक हमारे साथ ही दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है हमारे भाई चेतराम जी के मकान में है, वो भी आप शायद हाँ अभी आप जाके आए होंगे। तो ये बाकी अब यहाँ पे रोड तो क्लियर कर गए हैं जो स्लाइडिंग हुआ था, लेकिन अब और जो है ना यहाँ पे अगर कोई दीवार लगा या कोई डंगे डूंगे का जो इंतजाम है अगर हो जल्दी लग जाए तो नुकसान होने से बच सकता है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह हम भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक चेतराम का घर है जिनको बहुत खतरा है, जो हमने पहले ही दिखाया, और इसके बाद रक्षा देवी हैं, इनका भी मकान है, और जिस तरह से अभी सर से बात हो रही थी तो इन्होंने भी बताया, और किस तरह से बिक्रम राम जी ने, और ये जो दो घर है इनके ऊपर स्लाइडिंग हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से दिखाएं थोड़ा सा इस घर को ऊपर से कि इसके ऊपर तरपाल डाला है, हम जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस साइड को दिखाएं पीछे को, और रक्षा देवी हमारे साथ है, इनका यहाँ पे शौचालय था और इनके घर के लिए भी खतरा बना है। सबसे पहले अपना परिचय हमें दे, अपने बारे में थोड़ा सा नाम बता। रक्षा देवी है हमारा नाम, लेटरिन बाथरूम बना रहे थे ऐसे वो चल गए सरे, कहने अब घर में भी खतरा हो गया, पानी पूरा घर भर गया पानी से, कहने वो जगह नहीं रह रही सही, वो आनने चलने वो भी कहने डंगे डूंगे लगा दे ऊपर ऐसे भी थी कर दो कुछ मेहमान नहीं है और क्या। देखो सरकार से आपकी ये रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जल्द से जल्द कोई फौरी राहत मिले और शौचालय के लिए कुछ मिल जाए। देखिए हम बताना चाहेंगे जिस तरह से गांव के लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि शौचालय इनका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल ही, और एक महिला है और इनके परिवार में जान से कौन कितने आदमी है परिवार घर अंदर? परिवार आदमी तो हमने 7-6 आदमी है, हम बेटे दो बेटे एक बेटी तो भी आई थी तेरी एक बुढ़िया माँ ही, बुढ़िया माँ जो नहीं सुविधा दिखा कहीं भी नहीं जा सकती हुई, एडजस्ट करने का टाइम है, और हमारी सरकार से प्रशासन से यही मांग रहेगी इनके लिए भी कि शौचालय का निर्माण इनके लिए जल्द से जल्द किया जाए ताकि ये तीन तीन महिलाएं घर में हैं और शौचालय होना अति आवश्यक है इनके लिए, और जिस तरह से इनका शौचालय जो है यहाँ से क्षतिग्रस्त हुआ है और घर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो खबर खास टीवी की ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें हमें यहाँ से दिखा रहे हैं, यदि आपके पास भी कोई इस तरह की घटना या घटित हुई है इन फ्यूचर अगर हम चाहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूरी जानकारी साथ हमारे साथ साझा करें, हम आपकी जो जानकारी है खबरें हैं उनको सरकार विभाग तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए खबरकास्ट टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।